अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलायंस एनर्जी जी। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि SX440AVR सिंगल फेज कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये हमारे पास SX440AVR है, ये इसकी अभी अनबॉक्सिंग की ये सामने है। तो इसका ये बैकग्राउंड पे आए, ये इसकी नंबरिंग है 1, 2, 3, P2, P3, P4, X और डबल एक्स। ये हमारे पास इसके टर्मिनल हैं, ये इसकी ड्राइंग है। ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि ये इसने कनेक्शन आपको करके दिखाए भी हुए हैं। तो अभी ये आपने ये देखना है कि आपका एक्स और डबल एक्स किस जगह पे है, P2, P3, P4 किस जगह पे है, ये आपने मैनेज कर लेना है। बैक पे भी लिखा होता है और ये ड्राइंग आपके सामने है। 1, 2, 3 और P2, P3, P4 X और डबल X। जी मैंने अभी ये 2 को P2 के साथ मिला दिया और 3 को P3 के साथ, और एक्स और डबल एक्स जो उसकी एक्साइटर की वायरें हैं वो लगा दी। ये 3P3 के साथ मिल गया, इसको मैंने सिंगल फेज दे दी। न्यूट्रल और फेज 2 और P2 को फेज दे दिया, 3 और P3 को न्यूट्रल दे दी, और ये लगी एक्स और डबल एक्स। जैसे हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्टअप देंगे और स्टार्ट करके इसके वोल्टेज वगैरह चेक करवाएंगे। वोल्टेज हमने सेट कर लेने, तो इस तरह इसको हम 3 फेज की बजाय एमरजेंसी के तौर पे, जहाँ हमारा PMG ना हो, हम इस सिंगल फेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह पे हमें एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, हमारा PMG काम छोड़ जाए या कोई और इशू हो, उसकी जगह पे हम इसको सिंगल फेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी वीडियो